मुरादाबाद महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिवसेना ने किया अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ती महंगाई को लेकर आज शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। बता दें कि आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने महंगाई हाई हाई लिखी हुई बनियान पहनकर अपना विरोध भी जताया और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगाई जाए, वरना शिवसेना आगामी दिनों में अर्धनग्न होकर भूख हड़ताल करेगी। रामेश्वर दयाल तुरहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महंगाई एवं GST जो अभी हाल फिलहाल में लगाई गई है, इसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। खाद्य पदार्थों पर लगाई गई GST को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि महंगाई बेरोजगारी से पहले ही देश की जनता त्रस्त त्रस्त कर रही थी। अभी हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं और खाद्य पदार्थों पर भी GST लागू कर दी गई है, जिससे देश की जनता तिराही तिराही कर रही है और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर है। अतः शिव सैनिक मांग करते हैं कि शीघ्र ही महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई GST को तत्काल वापस लिया जाए। क्या वजह रही जो सरकार सुनी नहीं रही है? इतने धरने प्रदर्शन होते हैं, सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। आज हमने इसी वजह से अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा और भविष्य में हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार जो है ये कानों पे और आँखों पे और सब पे हाथ रखे बैठी हुई है। सरकार आँखें मूंदे हुई बैठी हुई है। सरकार देश हित में बात करे, देश की जनता के हित में बात करे। आपने देखा होगा कि तमाम विजय माल्या जैसे तमाम लोग करोड़ों अरबों रुपए लेकर फरार हो रहे हैं, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। देश की जनता तिराई तिराई कर रही है, त्रस्त हो रही है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। प्रदर्शन ये आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर शीघ्र ही सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे से भूख हड़ताल पर बैठेंगे अर्धनग्न होकर।